Equality, quality and quantity, the elusive triangle in Indian education. This concept was given by J.P. Nayak in his book. इसमें इन्होंने historical aspects को लिया है और फिर इन three terms को equality, quality and quantity को explain किया है. इन्होंने बताया है कि पहले के time में क्या क्या problems थे, उन problems को overcome करने के लिए हमने कुछ plans बनाए, फिर भी अगर हम उनको overcome नहीं कर पाए हैं तो what changes are needed या किस टाइप की पॉलिसीज़ हमें चाहिए हैं ताकि हम चेंज ला सकें. तो इन्होंने अपनी बुक में स्टार्टिंग बताया है कि जो ओपनिंग थी 19th सेंचुरी की या 18th सेंचुरी के एंड में देख लेते हैं, उस टाइम पर जो इंडियन सोसाइटी थी वो हाईली स्ट्रेटिफाइड थी, हायरार्किकल थी, इन एगैलिटेरियन थी, मतलब इनइक्वल थी. देयर वॉज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल टू डू पर्सन्स एट द टॉप ऑफ दी हायरार्की जो कि फ्यूडल ओवरलॉर्ड्स होते थे या उन पर जो डिपेंडेंट लोग होते थे या उनके सपोर्टर्स होते थे या हायर कास्ट के लोग होते थे या जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था या ट्रेडर्स या मर्चेंट्स या मनी लैंडर्स होते थे. और जो बल्क ऑफ द पीपल थे वो पुअर थे और अंडर प्रिविलेज थे. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ फ्यू वुमेन कुड राइज टू द हाईएस्ट पोजिशन इन सोसाइटी, द स्टेटस ऑफ द एवरेज वुमेन वॉज वेरी अनइक्वल. एससीज थे जो उन्हें अनटचेबल ट्रीट किया जाता था और एसटीज को तो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट ही नहीं. वो लोएस्ट और पुअरेस्ट थे और मोस्ट एक्सप्लॉयटेड ग्रुप्स थे. अब जो फॉर्मल सेक्टर और नॉन फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आते थे हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन. इसमें जो हायर एजुकेशन था वो पाठशालाज या मदरसाज में मिलता था जिसमें ज़्यादातर रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी. पाठशालाज हिंदूज के लिए हो गया, मदरसाज मुस्लिम्स के लिए हो गया. और उनको ना बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस का स्टूडेंट माना जाता था जिनकी नंबर बहुत कम थे स्टूडेंट्स के, बहुत थोड़े से माइक्रोस्कोपिक आप देखोगे इनरोलमेंट इनका, क्योंकि जो बहुत हाई क्लास या हाई स्टेटस के लोग होते थे वही हायर एजुकेशन में एडमिशन्स लेते थे फॉर्मल सेक्टर में. और फिर इसी में जो एलिमेंट्री था उसमें 3 आवर्स को पढ़ाया जाता था और ये मिडिल क्लासेस इसमें इनरोल्ड होते थे जो कि पहले वाले से तो काफ़ी ज़्यादा थे नंबर में. अगला है नॉन फॉर्मल सेक्टर जिसमें कि जो हमारा लार्ज मैसेस थे जो पुअर थे वो हमारे नॉन फॉर्मल सेक्टर में आते थे. हम देख रहे हैं कि कंडीशन कितनी ख़राब थी, ना ही इक्वलिटी थी, ना ही क्वालिटी एजुकेशन था और ना ही क्वान्टिटी. तो लेकिन इनके हिसाब से इक्वालिटी, क्वालिटी या क्वांटिटी क्या था ये हम आगे देखेंगे. उससे पहले इन्होंने ये बोला है कि जो क्वालिटी है उसको हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं या जो हम इक्वालिटी चाहते हैं, जिस तरह के हम इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं. व्हाई वी फेल इन दैट एंड व्हाट मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड एंड व्हाट चेंजेस ऑफ पॉलिसी आर नीडेड फॉर सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसमें सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है. एक रिसर्च पेपर के आर्टिकल में ये कुछ डेटा दिया हुआ था. द साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द फेस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज कन्फ्रंट्स इंडियन एजुकेशन विद अ डिलेमा कॉमन टू मैनी कंट्रीज. इस पैराग्राफ में हम साफ साफ देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स का कितने अच्छे से इस रिसर्च पेपर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये एक प्रॉब्लम है, साथ में जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं मतलब क्वांटिटी और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब क्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये क्वालिटी इक्वालिटी का पॉइंट हो गया, बाद में इम्प्रूवमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स तो वो क्वालिटी हो गया और जो स्कार्स रिसोर्सेज है वो क्वांटिटी में आ जाएगा. हम इस लेक्चर में आगे क्वांटिटी को अच्छे से देखेंगे कि कैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए. उससे पहले हम देखते हैं इसी आर्टिकल में और दिया हुआ है कि इक्वालिटी एंड क्वालिटी आर रिलेटिवली न्यू वैल्यूज़ फॉर एजुकेशन इन इंडिया स्टिमुलेटेड बाय द ब्रिटिश सिस्टम एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियल्स ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक गांधी, बट दे ओनली गेन ग्राउंड स्लोली. द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस हैज़ इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन टू class and caste structures in the social and economic context of education, but the situation of the rural masses remains essentially unchanged. In the drive for equality of opportunity, there has been a visible advance in the enrollment of girls, though this may not reflect a real change in status. The same way be said of the education of the lower intermediate and SCs.
रीजनल डिस्पैरिटीज विद इन द कंट्रीज ऑल्सो कंटिन्यू. तो इस बुक में इन्होंने क्या किया है, पहले हमारा जो भी हिस्टोरिकली जो प्रॉब्लम था उसको देखा है, फिर हमने जो पॉलिसीज़ वगैरह लाई वो सब इसमें आप बुक में देखोगे, सब कुछ गिवन है कि कौन सी कमीशन में क्या रिकमेंडेशन थी. उसके बाद में फिर उस सब के बाद भी कंटिन्यू क्यों हो रहा है ये सब, उसके लिए हमें अब क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्या नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, किस चेंज की ज़रूरत है, क्या रेमेडियल और डायग्नोसिस की ज़रूरत है. इसमें आगे दिया हुआ है, द हाई रेट ऑफ अडल्ट लिटरेसी हैज़ ओनली रिसेंटली बीन सीन एज अ मेजर प्रॉब्लम रिक्वायरिंग मैसिव गवर्नमेंट एक्शन. इन प्राइमरी एजुकेशन देयर हैज़ बीन रैपिड ग्रोथ डिस्पाइट कंटिन्यूड वेस्टेज, बट द इफेक्ट्स ऑफ द पावर स्ट्रक्चर ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एजुकेशन आर सीन इन द रेकलेस एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिटी एस्पेक्ट रिवील्स द डुअल नेचर ऑफ द सिस्टम with high standards in a small group of institution and a less favorable situation in the majority. The major obstacle here is the lack of resources. Since independence in 1947, India's educational goals have included expansion, improved quality and equal opportunity. The author analyzes India's success and failures in reaching these goals in context of its limited economic resources, the traditional educational values of its people and its traditionally stratified social system. Okay, तो जैसा मैंने अभी बताया वही इसमें explained है. अब हम देखते हैं कि quality क्या है. Quality means state of excellency. इसमें एक जो quote दिया हुआ है, quality is somewhat problematic like beauty, it lies in the eyes or rather the minds of the beholder. क्वालिटी क्या है कि कोई एक स्टैग्नेट थिंग नहीं है. इसमें क्या होता है, क्वालिटी हर किसी के अकॉर्डिंग अलग होती है. ठीक है, अगर आज हम देखते हैं तो जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, क्लासेस अच्छे हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं. और इक्वालिटी तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि SC ST का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं था, इन एगैलिटेरियनिज़्म हम देखते हैं वहाँ पे, या फिर जो विमेन थी वो भी पीछे थी. क्लास था जो लार्ज मैसेस थे उन बल्क में जो लोग थे उनके लिए तो इक्वालिटी थी ही नहीं. तो ये था इक्वालिटी का. फिर हमने कुछ ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज़ लाए कि आप SC ST को इस तरह से ट्रीट नहीं करोगे और सबको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये एक इम्प्रूवमेंट की तरफ एक स्टेप था. बट फिर भी आज कंटिन्यू हो रही हैं ये चीज़ें, इनइक्वालिटी है. तो उसके लिए अब और क्या पॉलिसीज नीडेड हैं वो बात की गई है. फिर है क्वांटिटी, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़. द प्रॉब्लम ऑफ इक्वालिटी एंड क्वांटिटी आर इंटर रिलेटेड. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी डिमांड दैट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन शुड बी एक्सपेंडेड एज लार्जली एज पॉसिबल सो दैट ईच इंडिविजुअल कैन अब्जॉर्व ऑल द एजुकेशन that suits his needs, capacities and aspirations. Every individual should have equal access to all available resources. पहले तो आपके पास facilities होनी चाहिए, फिर accessibility होनी चाहिए, हर एक student वहाँ तक पहुँच पाए. फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे कि जो quantity में क्या problem थी. Tribals के लिए कितना problematic था क्योंकि वो उनको integrate नहीं किया गया था, एजुकेशन उनके लिए एक्सेसिबल नहीं थी. बाद ब्रिटिशर्स को रूल्स लाए कि जैसे संस्कृत कॉलेज खोला गया या बहुत सी कमीशन्स आईं तो उसमें ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने मना कर दिया, कि वो SC ST को नहीं पढ़ाएंगे. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे थे. तो आज भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए ये भी है एक पॉइंट. द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वुड बी चीपर इन द न्यू सिस्टम दैन इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. Achieving the maximum of expansion at a minimum of cost, we shall have to invest considerably more in developing a learning society. मतलब कोई भी monetary issue नहीं होना चाहिए. Leadership needed, mass movement needed. The basic problem are really organizational and political. आप अगर problem देखोगे तो organizational है या political है, तो वो उस field में ज़रूरत है improvement की. Bridge the gap, जो गैप है पुअर एंड मिडिल क्लास के बीच या हाई क्लास एंड पुअर के बीच, उसको ब्रिज करना है. और मोर इगैलिटेरियन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सीन.